अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं 6 मरले का नहायत ही खूबसूरत मकान जो कि सेल के लिए अवेलेबल है और वाक़ ये सुहा गार्डन में। आइए चलते हैं इसका मुकम्मल हम टूर करें। तो सबसे पहले आपने इसका फ्रंट एलिवेशन देखा, नहायत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। मज़ीद यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इसमें ईजीली 2 सिटार पार्क कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट जाने मौजूद है इसका ड्राइंग रूम और उसके लिए एक सेपरेट से आपको वाटर रूम देखने को मिल जाता है। बहुत ही डिटेल वर्क किया गया इसमें, बहुत ही खूबसूरत ये घर है। ये चलते हैं इसका मुकम्मल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते चले इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है इसकी स्टेयर्स। नहायत ही खूबसूरत इसमें स्टील ग्रिल का यूज़ किया गया है। सेपरेटली आप इसको डबल यूनिट आप काउंट कर सकते हैं। ग्राउंड पे 2 बेड टीवी नॉन ड्राइंग रूम और फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 बेड टीवी नॉन ड्राइंग रूम। एज इट इज ग्राउंड पे भी किचन है और अपर फ्लोर पे भी आपको किचन मिल जाता है। तो अब हम आ चुके हैं इसके लिविंग एरिया में। नहायत ही वाइड इस लिविंग एरिया को बना दिया गया। फ्रंट पे आपको बहुत ही डिसेंट आपको मीडियम वॉल देखने को मिल जाती है जिसमें पहले से ही स्विचेस वगैरह अवेलेबल है। बैक साइड पे आप देख रहे हैं वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, बहुत ही डिसेंट आपको ये मीडियम वॉल देखने को मिल रही थी। टॉप पे एज इट इज बहुत ही खूबसूरत डबल फैन के साथ अनुस का यूज किया गया। यहाँ पे आपको एक चीज मेंशन करता चलो, इसकी हाइट बहुत ही अच्छी रखी गई है, यानी आप इसमें सीलिंग हुई हुई भी देख रहे हैं। इसके अलावा भी आपको 11 फीट तक हाइट देखने को मिल जाएगी। ये फ्रंट पे आपने डोर जो देखा था 8 फीट हाइट, आपको ये डोर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही वाइड आपको ये डोर नजर आ रहा है। एज इट इज इसकी बैक साइड पे देख रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको किचन देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा काम किया गया, बहुत ही डिसेंट शीट का यूज़ किया गया। कलर कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक पैटर्न देखने को मिलेगा, वुडन वर्क इसमें हुआ है। लाइट्स वगैरह बहुत ही डिसेंट लग रही हैं जो कि बहुत ही आउट क्लास लुक बना रही है। तो अब हम चलेंगे इसके ड्राइंग रूम वाली साइड पर, आपको इसका ड्राइंग रूम भी दिखा दें। यहाँ पे सेपरेशन की गई है, बहुत ही खूबसूरत आपको ये सेपरेशन देखने को मिल रही है। वुडन वर्क हुआ है और बहुत ही डिसेंट लग रहा है। ये इसका ड्राइंग रूम एज इट इज बहुत ही आपको हाइटेड डोर देखने को मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिल जाएगी। टॉप पे आपको एक फैन देखने को मिल रहा है। मैट ब्लैक कलर का यहाँ पे फैन का यूज किया गया है, बहुत ही डिसेंट रूम लग रहा है। अब हम इसके बेडरूम फर्स्ट में आ गए, बहुत ही वाइड आपको ये बेडरूम देखने को मिलेगा। मैट ब्लैक एज इट इज फैन का यूज किया गया, बहुत ही डिसेंट फॉल सीलिंग, बहुत ही वाइड आपको यहाँ पे रूम देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पे 2x4 की टाइप का यूज किया गया है। यहाँ पे देखें तो वाटर अपार्टमेंट आपको वाटर रखा गया है। मजीद यहाँ पे इसको कंसील रखा गया, यानी बिल्कुल दीवार के अंदर इसको कुम कर दिया गया। वेंटिलेशन के लिए विंडो पहले से ही रीलिंग इसमें इंस्टॉल्ड है। बाद इसके आ जाता है बाथरूम, बहुत ही डिसेंट ये आपको बाथरूम देखने को मिल रहा है। इसमें इंग्लिश सीट पे यूज किया गया, फैसिलिटी एसेसरीज इसमें यूज की गई। अभी हम चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम पे जो कि ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। प्राइस वगैरह तमाम चीज़ें आपको पहले से ही मेंशन कर देंगे, मगर आपको वीडियो के दौरान ही करेंगे क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते। फिर ये इसका ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम, बहुत ही डिसेंट आपको बेडरूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप डबल विंडो से इस डबल काम ले सकते हैं, सेफ्टी ग्रिल भी लगी है, मजीद डोर भी बन जाएगा। ये लॉन्ड्री के लिए एक्सेस है। बैक साइड पे वार्डर अपार्टमेंट आपको टॉप टू बॉटम देखने को मिल जाएगा। ये भी एज इट इज कंसीडर रखा गया है। इसी के साथ आ जाता है ये इसका बाथरूम, इसमें इंडियन सीट का यूज किया गया है। एक बाथरूम में ग्राउंड पे इंडियन सीट यूज की गई है और एक इंग्लिश। और फ्रंट साइड पे आपको एक वाटर रूम देखने को मिल जाएगा जो कि ड्राइंग रूम के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और तमाम तरह डिटेल उसकी फर्स्ट फ्लोर की आपको विजिट कराएंगे। वो थोड़ा शॉर्टली कराते हैं क्योंकि एज इट इज ग्राउंड की तरफ बना होता है, आपको थोड़ा सा शॉर्टली विजिट टूर करवा लेते हैं। और अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो अब हम खड़े इसके टेरेस में, वाइड इसका टेरेस बना दिया गया है, यहाँ से आपने एक्सेस की थी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अब हम चलेंगे इसके लिविंग एरिया वाली साइड पे। ये आ चुके हैं इसके लिविंग एरिया में। नहायत ही वाइड एज इट इज आपको ग्राउंड फ्लोर की तरफ मीडिया वॉल भी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही से पैटर्न से काम किया गया मीडिया वॉल में। तो अब हम चलेंगे इसके बैक साइड पे किचन पे। एज इट इज जो कि ग्राउंड किचन बनाया गया था वैसा ही खूबसूरत ये किचन बनाया गया, बहुत ही जबरदस्त आपको लुक देखने को मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत डिसेंट से आपको शीट एज इट इज ग्राउंड की तरह की ही आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब हम चलेंगे इसकी बेडरूम वाली साइड पे, शॉर्ट बेडरूम बनाएंगे। ये आगे इसका एज इट इज बेडरूम जो कि ग्राउंड पे है। एज इट इज एक बाथरूम में आपको इंग्लिश सीट देखने को मिलेगी और एक में इंडियन, और सेम पैटर्न के साथ काम किया गया है। ये आ जाता है इसका सेकेंड बेडरूम।
वाटर अपार्टमेंट आपको कंसीडर देखने को मिल जाएगा एज इट इज स्नेक इंडियन सीट यूज की। अब यहां पे आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि इस घर को 1 यूनिट यूज करना तो इस ड्राइंग रूम को एज अ बेडरूम भी काउंट कर सकते हैं। एज इट इज आपको यहां पे वाटर अपार्टमेंट भी देखने को मिल जाएगा और एक बाथरूम भी देखने को मिल जाएगा जिसको आप एज अ बेडरूम भी यूज करेंगे और साथ बाहर वाली साइड से भी एक्सेसिव स्पेस मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं घर आपको पसंद आया होगा। ये 6 मरले का घर बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशन है। 2,90,00,000 रुपया इसकी ओनर डिमांड है। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के नाम।